नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज यानी 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद में मजदूर यूनियन किसानों के साथ खड़े हैं। ये बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। बंद के चलते कई जगहों पर हाईवे और मुख्य रास्ते बंद रहने की संभावना है। बैंकों, ऑफिसों या इमरजेंसी सर्विसों पर बंद का असर पड़ेगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। रिपोर्ट्स की माने तो किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में मुख्य सड़कों पर बड़े पैमाने पर चक्का जाम करने की योजना बनाई है। खबर है कि पंजाब में ज्यादातर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए बंद रहेंगे। इस बंद पर किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तैयारी है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, कल खेत का काम ना करे, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी। जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आ रही थी ड्राइवर की, तो ये सबके लिए ग्रामीण भारत बंद करने की बात करी है, तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है। हमारे यहाँ का हमने स्वैच्छिक वो कहा है कि सब इसमें साथ दे, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बंद ये रहेगा। और खास करके ग्रामीण भारत बंद की बात करी हमने, शहर खुला रहेगा। शहर वालों से भी हमने अपील करी कि आप भी बंद रखे, कल भी जो खुला रखे तो उससे हमारा ज्यादा होगा। मंडी वगैरह सब्जी, ग्रामीण भारत में जो जो भी चीजें आएंगी, मंडी तो सुबह ही हो जाती है। अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या बंद है और क्या खुला हुआ है। किसान संघों की इस देशव्यापी हड़ताल के चलते परिवहन, खेती का काम, मनरेगा के तहत काम, प्राइवेट ऑफिस, गांव की दुकानें, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े संस्थान बंद रहने की उम्मीद है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जरूरी सेवाओं को प्रभावित न करने का आश्वासन दिया है। यानी बंद का असर आपातकालीन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा, जैसे कि एम्बुलेंस, न्यूज़पेपर सर्विस, शादी, मेडिकल दुकानें और बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा बैंक भी आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक असुविधा से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसी बीच गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते से दिल्ली तक और सिरसा से सूरजपुर से परी चौक तक के रास्ते पर सभी तरह की माल वाली गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। बंद को लेकर दिल्ली NCR में प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।